नमस्ते दोस्तों, मेरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे मोहन थाल। मैं आज आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताने वाली हूँ। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है और 4 चम्मच के जितना मिल्क लिया है, ये वाली चम्मच के बराबर। इसके अंदर में हमें 3 चम्मच घी ऐड करना है और मिल्क हमारा गर्म होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो घी है इसके अंदर में मेल्ट हो जाए। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से घुमाएंगे तो घी हमारा मेल्ट हो गया है। और इसको हमें यह वाले मिल्क को हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन के अंदर में डालेंगे, जिससे कि हमारा जो बेसन है उसके अंदर में अच्छे से मोयन लग जाए और हमारा जो मोहन थाल बनेगा एकदम सॉफ्ट बनेगा और दानेदार बनेगा। तो इसको डालने के बाद में हमें धीरे धीरे हाथ की सहायता से इसको हमें इस तरीके से मिलाना है, बस धीरे धीरे करके मसलना है। हमें इसका आटा नहीं गूंथना है, इसको बस हमें हल्का सा गीला करना है। तो यहाँ पे मैंने इतना मिल्क इसके अंदर में डाल दिया है। वापस से हम इसको इस तरीके से मसलते जाएंगे धीरे धीरे करके। हमें 3-4 मिनट के लिए इसको मसलना है इस तरीके से, तो बेसन हमारा एकदम अच्छे से मोयन लग जाएगा। और इसको 2 हथेलियों के बीच में लेकर इस तरीके से रब करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रहे। तो इसको हमें इस तरीके से कर लेना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बता रही हूँ, तो वीडियो को बीच में से स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे हमारा बेसन में मोयन लग गया है। अभी हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और एक इस तरीके का जाली लेंगे, जैसे हमारे पास में कोई आटे की छलनी है या इस तरीके का कोई स्टेनर रहेगा, उसके अंदर में बेसन को हमें डालना है और इसको धीरे धीरे करके छानना है ताकि एकदम बारीक और दानेदार, जैसे हमारा सूजी रहता है ना रवा, उसी के जैसा हमें इसको बना लेना है। तो यहाँ पे हमने बेसन को अच्छे से छान लिया है, इसके अंदर में कोई गुठली या लम्स भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको इसको एकदम पास से दिखा रही हूँ, दिख रहा है ना एकदम सॉफ्ट और दानेदार। तो यहाँ पे बेसन हमारा रेडी है। अभी हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई हमें थोड़ी मोटी वाली लेनी है। इसके अंदर मैंने 180 ग्राम घी ऐड कर दिया है और घी के अंदर में हमें जो हमारा मोयन लगा हुआ बेसन है उसको ऐड कर देना है इस तरीके से। और इसको धीरे धीरे करके हल्की जो लो फ्लेम के ऊपर में हमें इसको सेकना है, गैस की फ्लेम ज़्यादा नहीं रखनी है। धीरे धीरे करके हमें इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक सेकना है। तो जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसको जैसे जैसे हम सेकते जाएंगे तो इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और बेसन है हमारा हल्का हो जाएगा। तब तक हमें इसको सेकते रहना है, लगातार हमें इसको चलाना है, बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो बेसन नीचे से जल सकता है। इसलिए बस इसको लगातार चलाते जाएंगे, धीरे धीरे करके इसका कलर चेंज हो रहा है और बेसन थोड़ा हल्का भी हो रहा है। इस तरीके से जब बेसन अच्छे से सीख जाएगा तो इसमें से घी इस तरीके से छोड़ने लगेगा, तो यहाँ पे हमारा बेसन तब भूंज जाएगा। जब इसकी एकदम अच्छी खुशबू आने लगेगी तो हमें समझ जाना चाहिए हमारा बेसन भूंज गया है। अभी इसके अंदर में हमें 2 चम्मच के जितना मिल्क ऐड करना है। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको वापस से धीरे धीरे करके इस तरीके से मिक्स करेंगे। जैसे हम मिल्क डालेंगे तो ये वापस से सूखा हो जाएगा इस तरीके से। वापस हम इसको थोड़ा धीरे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। इसके लिए हमने गैस को बंद कर दिया, तो भी इसको बीच में थोड़ा थोड़ा चलाना है। और अभी इसकी चाशनी बनाएंगे। एक कटोरी चीनी लिया है, उसके अंदर में जितना चीनी है उतना ही हमें पानी ऐड करना है। एक कटोरी चीनी है तो एक कटोरी पानी। इसको हमें थोड़ी देर के लिए इस तरीके से गर्म करेंगे तो हमारी चाशनी बन जाएगी। चाशनी को सबसे पहले थोड़ा घुमा लेंगे और चाशनी को हमें थोड़ा चेक भी करना है कि हमारी चाशनी बनी है। चाशनी ऐसी होनी चाहिए जैसे हम हाथ में इसको रब करें, जैसे ऑयल कैसे होता है ऐसे चिपचिपी सी ये हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। हमें इसको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है। और इसके अंदर में थोड़ा सा कुटी हुई इलायची डालेंगे। इलायची डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे इस तरीके से।
तो हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई है। जो हमने बेसन सबसे पहले भूंज के रखा था उसको एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे इस तरीके से, और इसके अंदर में थोड़ा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हमारी जो चाशनी है ना उसको इसमें डालना है। चाशनी हमेशा गरम गरम ही इसके अंदर डालना है, बेसन ठंडा रहेगा और चाशनी हमारी गरम रहेगी। बस इसको लगातार हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से मिक्स करना है ताकि चाशनी और हमारा जो बेसन है सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले तो ये थोड़ा गीला लगेगा, धीरे धीरे हम घुमाएंगे तो ये कड़क होने लगेगा इस तरीके से। बस हमें इसको इतना ही कड़क रखना है, ज़्यादा गीला नहीं रखना है। और ये देखिए बस ये इस तरीके से होना चाहिए। मैं आपको इसको पास से दिखा रही हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। एक प्लेट के अंदर में थोड़ा सा घी लगा देंगे इस तरीके से, और जो हमारा ये मिश्रण बना हुआ है इसको हम इस तरीके से अंदर में डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ ना कुछ ज़रूर कर देना। इसको हम इस तरीके से थोड़ा फैला लेंगे और जो थाली रहेगी उसको हम थोड़ा इस तरीके से टैप करेंगे ताकि ये सब जगह से अच्छे से बराबर से हो जाए, कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा ना रहे। तो इसको थाली को इस तरीके से टैप करेंगे और ऊपर में थोड़ा सा कतरा हुआ बादाम और काजू से इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा और इसको देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। ये मिठाई रहती है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है, और जैसे हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं या कभी कोई त्यौहार रहता है तो ये मिठाई हम बना के एक दिन पहले रख सकते हैं तो हमारे घर में एक अच्छी सी डिश भी बन जाएगी और सब लोग पूछेंगे कि आपने ये डिश कहाँ कैसे बनाई, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। आप इसे घर पर एक बार बनाएंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पे बनाई है, बिल्कुल ही ये हलवाई के जैसी ही बनेगी और खाने में तो एकदम बहुत ही टेस्टी है ये। यहाँ पे मैंने इसके इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है और इसको हमें स्टोर करके हम 15 दिन तक इसको रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये रेसिपी एकदम स्टेप बाय स्टेप बताई है और इसका जो रेसिपी का मेजरमेंट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो वहाँ जाके आप सब इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी चेक कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको इसको पास से दिखा रही हूँ, एकदम ये सॉफ्ट बनी है, मुंह में रखते ही एकदम घुल जाएगी और इतनी ये लाजवाब है ना, आप एक बार इसे खाओगे तो सारी ही मिठाइयाँ खाना भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे तरीके से ये वाली रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्या पता आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाओ और आपको यही वाली रेसिपी खाने के लिए मिले, तो अपने व्हाट्सएप या इंस्टा फेसबुक पे इसे शेयर ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सबने वीडियो देखी तो आप सबको थैंक यू।